न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर तक आवागमन के लिए रास्ते, मंदिर के नए भवन और धर्मशाला को जल्द बनाने के दिए निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरुद्वारा पहुंचकर टेका माथा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से अंगवस्त्र पहनाकर किया गया स्वागत। श्री मुक्तेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने किया विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी ने किया निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व गतिविधियों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,396 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कहा, प्रदेश में गुरु नानक देव से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए किए जा रहे हैं कार्य। 10,000 का इनामी अपराधी शत्रुघ्न मौर्य पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। 12 मोर का तमंचा एवं 2 पेटी नकली शराब हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने किया खुलासा। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में डॉक्टरों ने अपने संगठन आईएमए के बैनर तले किया एक दिवसीय हड़ताल। बैठक कर बनाई रणनीति, किया संशोधन की मांग। प्रेमचंद साहित्य संस्थान के तत्वाधान में मनाया गया साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती। किया गया पुस्तक का लोकार्पण व नाट्य मंचन प्रस्तुति। गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। एक महीने में मांगे जिला प्रशासन ने पूरी नहीं की तो आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। जल संरक्षण के लिए किया अनोखा प्रदर्शन। उल्टा छाता लेकर तपती धूप, रिमझिम बारिश में खड़े रहे लोग। घटते हुए जलस्तर और बदलते पर्यावरण को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। रीजनल स्टेडियम गोरखपुर के पूर्व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी व कुश्ती के कोच चंद्रमौली पांडे के आकस्मिक निधन पर खेल प्रेमियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। गोरखपुर आप एवं गायनिक सोसाइटी फाक्ती के तत्वाधान में सुरक्षित मातृ सेविंग मदर्स पर 2 से 4 अगस्त तक आयोजित होगी कार्यशाला। देश विदेश के चिकित्सक करेंगे प्रतिभाग। और सावन माह के अवसर पर खत्री महिला कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सावन की गीतों पर थिरकी महिलाएं, कैंसर पीड़ित को दिया 10,000 का आर्थिक मदद।